हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूर्णिमा फ्रॉम सुभारती कंप्यूटर क्लासेस। आज की वीडियो में हम जानेंगे सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में कि कंप्लीट सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है। लास्ट वीडियो में हमने जाना था परचेज ऑर्डर के बारे में कि कंप्लीट परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग क्या है और किस तरीके से होती है। तो आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। एज़ यूजुअल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। देखिए, आज हम बात करेंगे एज अ सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम सप्लायर हैं तो हम गुड्स किस तरीके से सप्लाई करते हैं। तो हमारा जो कस्टमर है, जो भी उसे गुड्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उसे ज़रूरत होगी, वो अपना ऑर्डर हमें देगा। तो जब हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम उसकी एंट्री करेंगे सेल ऑर्डर में, और जब सेल ऑर्डर हमें मिल जाएगा, हम उसकी एंट्री कर लेंगे, तो जो भी हमें ऑर्डर मिला होगा वो सारी गुड्स हम रेडी करेंगे और अपने कस्टमर को सप्लाई करेंगे। तो जब सारी गुड्स उसको हम भेज देंगे, डिलीवर कर देंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे डिलीवरी नोट में। और आफ्टर डिलीवरी नोट जब हम सारी गुड्स भेज देंगे, हमारा कस्टमर देख लेगा और वो सेटिस्फाई होगा हमारे गुड्स से कि हाँ, उसको उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग गुड्स मिल चुका है, तो वो हमसे बिल मांगेगा। तो जब हम उसे बिल सेंड करेंगे, इनवाइस सेंड करेंगे, तो उसकी एंट्री हम करेंगे सेल में। और आफ्टर सेल जब हम उसको इनवाइस सेंड कर देंगे तो एट लास्ट वो हमें पेमेंट करेगा। तो जो हमारी पेमेंट होगी, हम उसकी एंट्री करेंगे रिसीट वाउचर में कि हाँ, कैश हमें मिल गया है। तो ये हमारी कंप्लीट प्रोसेस होती है सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग की। तो ये प्रोसेस हम टैली में किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। तो देखिए, अभी देखिए हमारी ये कंपनी है मुकेश एंड सन्स, इसी पे लास्ट टाइम हमने परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग किया था और आज इसी पे हम करेंगे सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो जैसे परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना पड़ता है, उसी तरीके से सेल ऑर्डर के लिए भी हमें कॉन्फ़िगरेशन ऑन करना पड़ेगा। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पे हैं, यहाँ पर हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन है इन्वेंट्री फीचर्स। तो हम एरो की से इन्वेंट्री फीचर्स पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये हमारे इन्वेंट्री फीचर्स यहाँ पे आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, अभी हमारा क्या है, इनेबल ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन है। अगर हम इसे यहाँ पे यस रखेंगे तो जब हम सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में सेल ऑर्डर लेंगे तो वहाँ पे हम रेट मेंशन नहीं करेंगे तो भी हम अपना काम कर सकते हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पे यस रखते हैं। और इस बार हमें सेल करना है तो यहाँ पे हम कर देंगे इनेबल सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको हम यहाँ पे यस कर देंगे, एंटर करेंगे। और देखिए, यहाँ पे यूज़ ट्रैकिंग नंबर हमने पहले ही ऑन करके रखा था परचेज ऑर्डर के टाइम, तो यहाँ पर ऑन है। इसको सेल ऑर्डर में भी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे हम यस ही रखेंगे और यहाँ पर एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब एस्केप की प्रेस करेंगे और हम आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। और यहाँ पे देखिए, हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स है, हम अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ गए। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, हम करेंगे सेल ऑर्डर। तो जो हमें सेल ऑर्डर मिलेगा हम उसकी एंट्री करेंगे। तो सेल ऑर्डर लेने के लिए हम करेंगे Alt F5। तो हम कीबोर्ड से Alt F5 प्रेस करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हमारा आ गया सेल ऑर्डर। तो जो भी हमें अपने कस्टमर से ऑर्डर मिलेगा उसकी एंट्री हम करेंगे सेल ऑर्डर में। तो यहाँ पे पार्टीज अकाउंट नेम हमें लेना है। तो यहाँ पे अभी हमारे कोई बायर्स है नहीं, कोई कस्टमर है नहीं, तो यहाँ पे हम कीबोर्ड से Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे अपना कोई भी कस्टमर हम उसका लेज़र रेडी कर लेंगे। हमने यहाँ पर दे दिया विकास। तो ये विकास हैं, हमारे बायर्स हैं, तो इनको हम क्या रखेंगे, ये हमारे होंगे सन्डरी डेटर्स। जो हमारे बायर्स होते हैं वो होते हैं हमारे सन्डरी डेटर्स। तो हम इनको सन्डरी डेटर्स में रख लेंगे, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। अगर इनका एड्रेस आपको कुछ भी देना है तो दे दीजिए। हमने यहाँ पे एड्रेस दे दिया, कंट्री इंडिया है, स्टेट UP है, और बस हम इसको यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेंगे। और देखिए, यहाँ पे हमें ऑर्डर नंबर देना है कि कौन सा ऑर्डर नंबर है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर नंबर दे देंगे। हमने सेल ऑर्डर 1 दे दिया। और यहाँ पे सेल कर रहे हैं तो सेल का लेज़र बनाना पड़ेगा। अभी लेज़र नहीं बना है तो Alt C प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम दे देंगे सेल। और सेल हमारी अंडर जाती है सेल अकाउंट के, तो हमने सेल अकाउंट यहाँ पर एक्सेप्ट करा लिया और इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब देखिए, यहाँ पे हमें सेल करना है तो जिन भी गुड्स का हमें ऑर्डर मिला होगा हम स्पेस की प्रेस करेंगे। तो अभी हमारे यहाँ पे देखिए 2 आइटम हैं, एक हमारा कंप्यूटर की 10 पीसेज है और हमारी टेबल है। तो जैसे हमें कंप्यूटर सेल करनी है तो हमने यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे गो डाउन एनी ही रखेंगे। क्वान्टिटी कितनी सेल करना है, जैसे 5 क्वान्टिटी हम सेल कर रहे हैं। और एक कंप्यूटर के रेट कितनी है, हमने यहाँ पर दे दिया 15,000। एंटर किया, 75,000 का हमारा हो जाएगा।
एंटर करेंगे, अगेन हमें कोई गुड्स लेनी है, हम स्पेस बार प्रेस करेंगे और यहाँ पे हमने टेबल ले ली। यहाँ पे भी गोडाउन में हम एनी रखेंगे, क्वांटिटी इसकी भी 5 कर दे रहे हैं और एक टेबल के रेट हमारे कितने हैं 1500 हमने यहाँ पे कर दिया और 7500 का हमारा हो जाएगा टोटल, हमारा 82500 का गुड्स हो जाएगा। एंटर करेंगे, हम इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए कंप्यूटर और टेबल का हमें ऑर्डर मिला है जिसकी हमने एंट्री कर ली है सेल ऑर्डर में। अब हमें यही रिपोर्ट्स चेक करनी है कि जो हमें ऑर्डर मिला है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ा होगा, तो उसे चेक करते हैं। हम एस्केप की प्रेस करेंगे, यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे डिस्प्ले पे और इसमें देखिए स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे है, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री पे हम आ जाएंगे। अभी तक हम परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग चेक करते थे जब परचेज ऑर्डर करते थे, अब हम सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो सेल ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे यहाँ पे आ जाएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे ऑल ऑर्डर्स पे। तो देखिए सेल ऑर्डर जो हमारा है यहाँ पे हमें शो कर रहा है कि सेल ऑर्डर नंबर हमारा यहाँ पे दे रहा है, कंप्यूटर हमने सेल किया है, सेल क्या किया है मींस ऑर्डर मिला है। और यहाँ पे देखिए टेबल का ऑर्डर है हमारे पास, टोटल 82500 का हमारे पास ऑर्डर है। हम एस्केप की प्रेस करेंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाएंगे। अभी देखिए क्या है, हमें इतना ऑर्डर मिला है टेबल और कंप्यूटर का, तो जो ये हमें ऑर्डर मिला है हम ये गुड्स सारी रेडी करेंगे और अपने कस्टमर को हमने ये भेज दी। जब हमने गुड्स भेज दी तो हम उसकी कहीं पे एंट्री करेंगे, तो हम उसकी एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट पे। तो डिलीवरी नोट ओपन करने के लिए हम कीबोर्ड से ऑल्ट F8 प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ हमारा यहाँ पे डिलीवरी नोट ओपन हो गया। यहाँ पे रेफरेंस नंबर देना है कि हमें चालान नंबर बना के देना है, तो हम यहाँ पे रेफरेंस नंबर दे देंगे। हमने रेफरेंस नंबर दे दिया, पार्टीज अकाउंट देना है तो पार्टीज हमने किसको दिया है, हमने विकास को दिया है, हमने यहाँ पे विकास को सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे देखिए हमारा कौन सा ऑर्डर है, ये है सेल ऑर्डर 1, इसको हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। बस यहाँ पे एंटर करते जाएंगे और सेल कर रहे हैं तो इसलिए सेल लेज़र में हमारा सेल आ जाएगा। और देखिए ऑटोमेटिक उसने पूरा ट्रैक कर लिया है कि कौन कौन सी गुड्स का हमें ऑर्डर मिला है और कौन कौन सी गुड्स हमने सेल करी है। तो कंप्यूटर और टेबल की आ गई हैं 5-5 पीसेस, हमने इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और चालान नंबर हमारा क्या है, ये हमने लिया है। और इसको हम इस तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे। तो देखिए जो हमें गुड्स का ऑर्डर मिला था सेल करने के लिए वो गुड्स हमने डिलीवर कर दी है। तो जब गुड्स को हमने डिलीवर कर दिया है तो सिंपल सी बात है जो हमारा स्टॉक था, स्टॉक कम हो गया होगा क्योंकि हमने अपने स्टॉक से ही तो गुड्स को डिलीवर किया है। तो हम डिलीवरी नोट में एंट्री करने के बाद अपने स्टॉक को चेक करेंगे कि हमारा स्टॉक कितना शो कर रहा है। हम एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पे और इसके बाद हम आ जाएंगे स्टॉक समरी पे। और यहाँ पे देखिए अब हमारा स्टॉक कितना दे रहा है, कंप्यूटर की 5 पीसेस हमारे पास बची हैं और टेबल हमारे पास कितनी बची हैं 5 पीसेस, और यही पहले हमारे पास 10-10 पीसेस थी। एस्केप की प्रेस करेंगे और यहाँ पे बैलेंस शीट पे आएंगे। तो देखिए बैलेंस शीट पे जब हम जाएंगे तो जो हमारे डेटर्स होते हैं वो हमारे एसेट्स में शो करता है, तो हमें डेटर्स चेक करने हैं तो करंट एसेट्स पे हम जाएंगे, एंटर करेंगे और देखिए यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स हमारे दे रहा है कि कितने के डेटर्स हमारे पास अभी हैं, तो 82500 शो कर रहा है। हम एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेंशन कर रहा है सेल बिल टू मेक कि अभी आपने गुड्स को डिलीवर किया है लेकिन जो अभी सेल का बिल है वो आपने नहीं बनाया है, वो भेजना है। तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए अब डिलीवर कर दिया गुड्स, तो सिंपल सी बात है जो हमारा कस्टमर है वो हमसे बिल मांगेगा कि आप जितनी गुड्स आपने भेजी है इसका हमें बिल भेज दीजिए। तो बिल बनाने के लिए हम करेंगे एंट्री सेल में, सेल में एंट्री करने के लिए हम F8 प्रेस करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे सेल आ गया है। अब सेल में हमें इनवाइस रेडी करना है, तो जो भी डिटेल्स है इनवाइस नंबर हमें देना है, हम इनवाइस नंबर देने हैं, एंटर करेंगे। पार्टीज अकाउंट नेम किसको हमने सेल किया है, विकास को हमने सेल किया, हमने विकास ले लिया। और यहाँ पे हमारा चालान नंबर ये है और ये देखिए अंडर सेल में आ जाएगा और जो भी हमारा गुड्स है ये यहाँ पे शो कर देगा। बस हम एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराते जाएंगे।
और हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। अब जो हमारा सेल का है हमें देखना है, हम पेजअप की प्रेस करेंगे तो देखिए हमने ये सेल किया है। अब जो इनवाइस हम भेजेंगे तो हम यही इनवाइस भेजेंगे, तो ये हमारा सेल का है, हमने सेल कर दिया, सेल में एंट्री की और कीबोर्ड से ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। और यहाँ पे हमें विद प्रीव्यू चाहिए तो देखिए यहाँ पे विद प्रीव्यू है, हम इस पर क्लिक करेंगे और वाई प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा इनवाइस आ गया है। जूम करने के लिए ऑल्ट जेड प्रेस करेंगे, ये हमारा इस तरीके से इनवाइस रेडी हो गया है। यही इनवाइस हम अपने कस्टमर को भेजेंगे जिससे वो चेक करके वो हमें पेमेंट देगा। तो ये इस तरीके से आप इनवाइस रेडी करेंगे। यहाँ पे देखिए पूरी डिटेल्स आ रही है, विकास हमारे बायर्स हैं, मुकेश एंड सन्स हमारी कंपनी है, इनवाइस नंबर है, डेट है, चालान नंबर है। और ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स में डिस्क्रिप्शन है गुड्स का, और टोटल 82,500 का देखिए यहाँ पे हमारा बिल बना है। इस तरीके से यहाँ पे पूरी डिटेल्स आ गई है। बैक आने के लिए आप स्केप की प्रेस कर दीजिए तो यहाँ पे हम बैक आ जाएंगे। अगेन स्केप की प्रेस करेंगे, अब देखिए हम गेटवे ऑफ टैली पे आ गए। अगेन हम बैलेंस शीट पर आ जाएंगे, हम एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए जो करेंट असेट्स हमारी हैं, हम एंटर करेंगे इस पर। और यहाँ पर हमारे सन्ड्री डेटर्स हैं, यहाँ पे विकास बायर, देखिए जैसे ही सन्ड्री डेटर्स पे क्लिक करें विकास बायर हमारे यहाँ पे शो कर रहा है कि 82,500 के हैं। और यहाँ पे देखिए अप्रैल का यहाँ पे मंथ शो कर रहा है, तो हमने इनको बिल भी भेज दिया है। अगर आप ये पेमेंट करेंगे तो पेमेंट को हम रिसीव कर लेंगे, रिसीव कैसे करेंगे ये भी हम बता दे रहे हैं। और यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे आएंगे, हम एंटर करेंगे और अब हमें पेमेंट मिलेगी, हम रिसीव करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे F6। ये देखिए रिसीट वाउचर में आ गए। अभी ये हमारा सिंगल एंट्री मोड है, अगर आप चाहें डबल एंट्री मोड पे वर्क करना तो यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। और यहाँ पे देखिए स्किप डेट है, डेट को अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर दियो। और सिंगल एंट्री मोड देखिए जो हमारा यस है इसको हम नो करेंगे, हम डबल एंट्री मोड पर वर्क कर लेंगे। और यहाँ पे आ जाएंगे CRDR को यूज़ करना है तो हम इसको यहाँ पे यस कर देंगे। कंट्रोल ए से हमने इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लिया। तो देखिए हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, जो दे रहा है, दे कौन रहा है, विकास दे रहे हैं पेमेंट, तो विकास को हम लिखेंगे क्रेडिट साइड, विकास बायर्स को क्रेडिट करेंगे। कितने से देखिए ऑटोमेटिक इनकी अमाउंट यहाँ पर हमें शो कर रहा है कि इनको कितने देने हैं, 82,500, तो हम यहाँ पर 82,500 दे देंगे। हम एंटर करेंगे और बस एंटर करते जाएंगे यहाँ पे। और डेबिट में हम क्या करेंगे, डेबिट में क्या आएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे कैश ले लिया। और देखिए कैश के आगे ऑटोमेटिक अमाउंट आ गई 82,500, हम एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे और एस्केप की प्रेस करेंगे। अब अगेन हम बैलेंस शीट पर जब जाएंगे और यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स हमें चेक करनी है, हम एंटर करेंगे यहाँ पे, तो सन्ड्री डेटर्स के आगे अब बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है कि सन्ड्री डेटर्स हमारे कोई भी नहीं है। हम एंटर करेंगे सन्ड्री डेटर्स पे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो करेगा। अभी तक देखिए जो डेटर्स थे उनका नाम मेंशन कर रहा था, अमाउंट दे रहा था, लेकिन अब तो डेटर्स हमारे बचे नहीं क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो उनका काम खत्म हो गया है। तो जो सन्ड्री डेटर्स के लिए यहाँ पर लिस्ट है वो देखिए ब्लैंक है कि अब हमारे डेटर्स कोई भी नहीं है। तो ये था हमारा कंप्लीट सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग की। सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले जो हमें ऑर्डर मिलेगा तो सेल ऑर्डर में एंट्री करेंगे, उसके बाद हम गुड्स को जब डिलीवर कर देंगे अपने कस्टमर को तो हम उसकी एंट्री करेंगे डिलीवरी नोट में। और जब हम डिलीवर कर देंगे गुड्स को और हमारा कस्टमर बिल के लिए बोलेगा तो हम सेल में एंट्री करके उसको इनवाइस बना करके भेज देंगे। और उसके बाद लास्ट में जब हमें पेमेंट मिलेगी तो रिसीट वाउचर में हम उसकी एंट्री करेंगे। तो ये 4 पूरे स्टेप होते हैं सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए। तो कंप्लीट प्रोसेस हमारी इस तरीके से है। सो आज की वीडियो में हमने सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखा, सेल साइकिल सीखा। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप अपने कमेंट दीजिए, एंड वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।